और अब आपको एक बड़ी खबर दे दें, मुंबई के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज मुंबई को अदालत से इंसाफ मिलेगा। साल 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में स्पेशल टाडा कोर्ट 7 दोषियों पर फैसला सुनाएगी। कोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम समेत 7 अन्य दोषियों के खिलाफ आज सजा का ऐलान किया जाएगा। 12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, 713 लोग जख्मी हो गए थे। टाडा अदालत ने 2006 में याकूब मेमन सहित 100 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी दे दी गई थी। 12 मार्च 1993 को हुए 13 शक्तिशाली धमाकों से मुंबई दहल गया था। इन धमाकों में तकरीबन 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 713 लोग जख्मी हुए थे। अब आपको बता देते हैं इस मामले में आरोपी कौन कौन है, उनके क्या नाम है। 1993 में हुई मुंबई धमाके में गैंगस्टर अबू सलीम समेत 7 दोषियों पर आज फैसला आना है। अबू सलीम के अलावा करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा दौसा, रियाज सिद्दीकी, फिरोज खान धमाकों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। किस दोषी पर क्या दोष बताया गया था, शुरुआत करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम से। मुंबई धमाकों के लिए एक्सप्लोजिव को मुंबई के ठिकानों पर पहुंचाने का दोष अबू सलीम पर है और इसके साथ ही उस पर अभिनेता संजय दत्त के घर जाकर AK-47 राइफल और हथगोले देने का भी दोष है। बात मुस्तफा दौसा की, उसने धमाके के लिए मुंबई के समुद्र के किनारे RDX और दूसरे एक्सप्लोजिव उतरवाए थे। रियाज सिद्दीकी के बारे में बताएं तो RDX से भरी मारुति वैन को गुजरात के भरूच में अबू सलीम के हवाले करने का ये दोषी है। फिरोज पर धमाके के सामान पहुंचाने का दोष है, वहीं करीमुल्ला पर धमाके के सामान पहुंचाने का दोष है। तो करीमुल्ला पर धमाकों का सामान पहुंचाने का आरोप लगा है, दोषी ने ठहराया गया है। और अब बात ताहिर मर्चेंट की, मोहम्मद ताहिर मर्चेंट पर धमाके में शामिल कई अभियुक्तों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का दोष है। दोषी नंबर 7 अब्दुल कयूम के बारे में बताएं तो संजय दत्त को हथियार पहुंचाने का दोष इन पर है। अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 1993 में माया नगरी में कौन सी 12 जगहों पर धमाके हुए थे। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में दोपहर 1:30 बजे पहला धमाका हुआ। नरसिंहनाथ स्ट्रीट में दोपहर 2:15 बजे दूसरा धमाका हुआ था। शिवसेना भवन में 2:30 बजे तीसरा धमाका। एयर इंडिया बिल्डिंग में दोपहर 2:33 पर चौथा धमाका हुआ। सेंचुरी बाजार में दोपहर 2:45 पर पांचवा धमाका हुआ। वहीं माहिम में दोपहर 2:45 पर छठा धमाका हुआ था। झवेरी बाजार में दोपहर 3:05 पर सातवां धमाका हुआ। वहीं सी रॉक होटल में दोपहर 3:10 पर आठवां धमाका हुआ। प्लाजा सिनेमा में दोपहर 3:13 पर नौवां धमाका हुआ। जुहू सेंटूर होटल में दोपहर 3:20 पर दसवां धमाका हुआ। सहार हवाई अड्डा में दोपहर 3:30 पर यानी 3:30 बजे 11वां धमाका हुआ था। एयरपोर्ट सेंटूर होटल में दोपहर 3:40 पर 12वां धमाका हुआ था।